आजादी के 75वें वर्ष में हमें गौरवान्वित करती धरोहरें, राष्ट्रपति भवन के अनदेखे पहलू, दरबार हॉल, अशोक हॉल, कैबिनेट रूम, लाइब्रेरी की एक्सक्लूसिव तस्वीरें, अमृत उद्यान में सुबह 6 बजे टहलती राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, तो दिन में स्टडी में कार्य करती, जन्मदिन मुबारक प्रथम नागरिक, भारत गणराज्य की प्रथम नागरिक, हमारे देश के संविधान की संरक्षक, देश के सशस्त्र सेनाओं की सर्वोच्च सेना नायक, हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के कार्यकाल का 1 साल पूरा हो रहा है। सादगी, परिश्रमी, निष्ठावान, विचारक, सहानुभूतिपूर्ण, अनुशासन प्रिय, ये ऐसे शब्द हैं जो उनके व्यक्तित्व का बोध हमें कराते हैं। हमारी पहली आदिवासी राष्ट्रपति ने अनेकों चुनौतियों को मात देते हुए बुलंदियों को छुआ है। उड़ीसा के गाँव उपरबेदा से देश की राजधानी दिल्ली में 330 एकड़ में फैले राष्ट्रपति भवन तक का सफर प्रेरणापूर्ण रहा है। द्रौपदी मुर्मू अपने गांव की पहली आदिवासी लड़की थी जिसने कक्षा 5 के आगे पढ़ाई की। June 1958 में उपरबेदा के सिंगो और बिराची नारायण टूडू के घर जन्मी बेटी को पुट्टी नाम से पुकारा गया। एक आदिवासी परंपरा के तहत दादी का नाम पुट्टी विरासत में मिला, लेकिन स्कूल में शिक्षक ने द्रौपदी नाम दिया। इन्हें स्कूल जाना इतना पसंद था कि एक बार बाढ़ की हालत में तैर कर स्कूल पहुंच गई थी। शिक्षक बताते हैं कि वो ऐसी छात्रा थी जो सबसे पहले स्कूल पहुंचती और सबसे आखिर में जाती। जब हम छोटे थे तो उनका ये था कि वो शी लव्स टू सिंग, तो बहुत सारी हिंदी फिल्मों के गाने जो आज हम सुन रहे हैं, मुझे पता भी नहीं था कि वो हिंदी फिल्मों के गाने हैं। मुझे लगता है ये कोई गाने हैं जो मेरी माँ गुनगुनाती हैं। तो हमको बहुत सारे, फिर बाद में जब टेलीविज़न आया और मैंने वही गाने टीवी पे देखा, फिर वहाँ पे जो जो नरेटर है वो बताते हैं गाना गायक हैं इनके लता मंगेशकर जी ऐसा कुछ, और मैं हमेशा सोचती हूँ तो नहीं, ये सारे गाने तो मेरी माँ के हैं। आई थिंक मैं स्टैंडर्ड 3 में थी जब वो उन्होंने मेरी स्कूल में एज अ टीचर ज्वाइन किया था, तो देट वॉज़ लाइक यंगेस्ट मेमोरी। आई थिंक मैं शायद 9-10 साल की रही होंगी। तो इवन उससे पहले भी जब घर पे थी तो क्योंकि दोनों भाई और पापा दोनों सब लोग स्कूल जाते थे, तो वो बहुत पहले से ही बहुत जल्दी उठ जाती थी, बिफोर हम लोग उठने से पहले वो उठ जाती थी और हम सबका खाना से लेके घर का सारा काम करके मतलब 10 बजे तक सबको घर स्कूल भेजना, ऑफिस भेजना। पहले तो ट्यूशन्स ऐसा नहीं होता था, तो हम तीनों भाई बहनों को वही पढ़ाती थी। वो क्योंकि मेरा मॉर्निंग स्कूल होता था तो बाई आफ्टरनून तक वो आकर मुझे पढ़ाती थी, और जैसे मेरे भाई घर आ गए तो उनको पढ़ाती थी, और मेरे फादर उस वक्त जॉब कर रहे थे तो फिर हम लोग का रूटीन रहता था। और उस वक्त तो कोई हमारी मदद करने के लिए भी नहीं था, तो 3 बच्चे और सब कुछ वो खुद ही मैनेज करती थी। राष्ट्रपति भवन का ये कैबिनेट रूम है। कहा जाता है आज़ादी से पहले इसी टेबल पर, इसी कमरे में विभाजन का फैसला लिया गया था, लेकिन हमारे आज़ाद भारत की पहली कैबिनेट की बैठक भी इसी कमरे में हुई थी। और ये कमरा बेशकीमती किताबों से भरा हुआ है और जो इतिहास है यहाँ पन्नों से छलकता है। हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 1997 में
बीजेपी में शामिल हुई। पति श्यामचरण के कहने पर राजनीति से जुड़ी थी वो, रंगराजपुर की वो पार्षद चुनी गई। ज़मीन पे उनके काम को बहुत सराहा गया, खुद साफ सफाई का काम खड़े होकर उसका निरीक्षण करती थी। सन 2000 में वो विधायक चुनी गई रंगराजपुर से। बीजेपी बीजेडी की सरकार आई, मंत्री पद मिला, ट्रांसपोर्ट मंत्री बनी, लेकिन जो पैसे की अनियमितता की खबरें आईं तो टोल नाके पर खुद घंटों खड़े रहकर वो निरीक्षण करती। इसके बाद जो चुनाव हुए उस पर उनको शिकस्त मिली। फिर 18 मई 2015 को झारखंड की राज्यपाल चुनी गई, पहली महिला राज्यपाल उस राज्य की, और फिर 2022 में हमारे देश की 15वीं राष्ट्रपति मनोनीत हुई। राष्ट्रपति अंगरक्षक सलामी देंगे, राष्ट्रीय सल्यूट मध्य तक। मैम, जब उड़ीसा गवर्नमेंट में मंत्री थे, मैं निजी सचिव था और 2000 से मैम के साथ मेरा संबंध है, संपर्क है। आई हैव सीन एवरीथिंग। ये जो पहली बार उड़ीसा में ट्रांसपोर्ट पॉलिसी हुआ, ये मैडम ने ट्रांसपोर्ट पॉलिसी बनाया, और आपको ज्ञात होगा कि ट्रांसपोर्ट एक रेवेन्यू अर्निंग डिपार्टमेंट है। जो रेवेन्यू पहले था मैम का पहले, उसका डबल मैम ने किया रेवेन्यू अर्निंग में। ये तो हर बार देखते थे कैसे हमारा रेवेन्यू में वृद्धि होगा, ये तो गेट फेट चल जाते थे वॉच करने के लिए कैसे पिलफरेज नहीं होगा और रेवेन्यू आएगा गवर्नमेंट ट्रेजरी को, ये इंश्योर करते थे। और मुझे जो मालूम है कि ये सैनिटेशन दायित्व में थे, ये स्वयं गाड़ी चलाकर NAC का हर एरिया को जाते थे और सैनिटेशन कैसे होगा, कैसे क्लीनलीनेस डेवलप किया जाएगा, ये सबको समझते थे। ये सब समय, हर समय ये जोड़कर रहते थे लोगों के साथ। सुनामी में जो सब क्षय खेती हुआ था उसका रेस्टोरेशन काम माम ने किए थे। सुबह के 6 बज रहे हैं, हमारी राष्ट्रपति अमृत उद्यान में सैर के लिए निकली हुई हैं। हर सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे उठकर करीब 2 घंटे तक वे ध्यान में बैठती हैं। मेडिटेशन के बाद 6 बजे सैर के लिए निकलती हैं। एकड़ में फैले राष्ट्रपति भवन परिसर में ये उद्यान करीब 150 एकड़ में फैले हुए हैं। इनके एक हिस्से में राष्ट्रपति 1-2 राउंड लगाती हैं, 2 किलोमीटर के बराबर। आप NDTV पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं। इसके बाद तैयार होकर राष्ट्रपति स्टेट कॉरिडोर से होते हुए अपनी स्टडी पहुंचती हैं। यही वो कक्ष है जहां वे अपना कार्य करती हैं। फाइलों पर हस्ताक्षर हो या अति विशिष्ट लोगों से मुलाकात, इससे लगे नॉर्थ कोर्ट एंट्रेंस से सिर्फ 5 लोगों को आने की अनुमति है, जिनमें सिर्फ प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, पूर्व राष्ट्रपति और लोकसभा स्पीकर शामिल हैं। राष्ट्रपति भवन का ऐश्वर्य अशोका हॉल में दिखता है। अंग्रेजों के जमाने का ये बॉलरूम था।
फारसी कवि निजाम गंजवी की कविताएं और नज़्में यहाँ सीलिंग पर उकेरी गई हैं। अशोका हॉल की भव्यता की तरह हमारी राष्ट्रपति के व्यक्तित्व की भव्यता उनके व्यवहार में झलकती है। सुखोई की उड़ान हो या INS विक्रांत की सैर हो या फिर एक आम नागरिक की तरह कई किलोमीटर पैदल चलना हो। जब स्कूल में थी तभी उनको पार्षद के लिए ही कुछ लोगों ने अप्रोच किया कि आपको ये करना चाह रहे हैं, तो उन्होंने उसको एक्सेप्ट किया। और उनका तो हमेशा मेंटेलिटी था कि लोगों के लिए काम करने का, और वो एक चीज़ हमेशा कहती हैं, तो अपने लिए तो कोई भी कमा सकता है, अपना पेट पालने लायक तो कोई कमा सकता है, लेकिन लोगों की मदद करने के लिए अगर आपको मौका मिल रहा है तो उसको, आई थिंक उसी को ही वो करना चाह रही थी, इसीलिए वो पार्षद बनना चाहें। वो ट्रैवलिंग को, जैसे कि भुवनेश्वर में, जैसे वो वंस MLA बन गई, सब लोग भुवनेश्वर में सेटल हुए, और माँ चाहती थी कि हम लोग भुवनेश्वर में रहें ताकि हम लोग का एजुकेशन सही से हो जाए, वहाँ की स्कूलिंग जो उस सिस्टम में हम लोग आ जाए ताकि हमारा पढ़ाई अच्छा हो जाए। लेकिन उनको गांव वापस जाना था क्योंकि वो उन्हीं लोगों से चुनी हुई हैं, तो वो क्या करती थी, दिन में ट्रैवल करती थी, लेकिन दिन में ट्रैवल करना समय बर्बाद होने जैसा हो जाता था क्योंकि दिन में अगर उनको कुछ काम होगा तो वो कैसे कर पाएंगी। तो उन्होंने एक तरीका निकाला, मैं रात को ट्रैवल करूँगी और बस से ट्रैवल करूँगी, इससे क्या हो जाएगा, जो ड्राइवर होगा वो हैरेश नहीं होगा, उसको एग्जॉशन नहीं होगा, और प्लस उनका जर्नी भी आसानी से हो जाएगा। बीच में उनका तबीयत भी ख़राब हुआ क्योंकि खाने पीने का समय उनको नहीं मिलता था, और हम लोग कहते थे हमारा घर का दरवाज़ा हमेशा खुला रहता है, लोग आते नॉक नहीं करते, सीधे अंदर आ जाते हैं। जय जगन्नाथ, नमस्कार। ये जगन्नाथ जी का महान भक्त है माम ने, 2 किलोमीटर पहले ये पैदल में गए मंदिर को जगन्नाथ जी को दर्शन करने के लिए। दो तरफ बहुत सारे लोगों थे, माम तो लोगों के साथ थे और हैं, ये लोगों के पास गया है, उनके साथ इंटरेक्ट किया, और जो सब बच्चे थे, स्कूल चिल्ड्रन थे, उनके साथ भी बातचीत किया, और ये टफी डिस्ट्रीब्यूशन किए। सिर्फ ये नहीं, हर बार ये जहाँ सब टूर करते हैं, जहाँ बच्चे लोग खड़े होते हैं, महिलाएं खड़े होते हैं, ये यहाँ जाकर उनके साथ इंटरेक्ट करते हैं, उसको विश करते हैं, और ये जो छात्रा लोग हैं और जो चिल्ड्रन है, ये खूब खुशी होते हैं, दे बिकम वेरी हैप्पी टू सी द प्रेसिडेंट इंटरेक्टिंग विथ देम। राष्ट्रपति भवन में ये दरबार हॉल है, इसके गुंबद पर हमारा राष्ट्रीय ध्वज लहराता है। ये वो जगह है जहाँ पर राष्ट्रपति तमाम राष्ट्रीय सम्मान देती हैं। हमारे पीछे गौतम बुद्ध की ये प्रतिमा 5वीं सदी की है, मथुरा में ये उत्खनन के दौरान मिली थी, और इसकी यह मौजूदगी हमारे देश को अहिंसा का अहम संदेश देती है। साथ ही ये जो दरवाज़ा आप देख रहे हैं, ये इस राष्ट्रपति भवन में आने का मुख्य प्रवेश द्वार है। जब भी कोई समारोह, कोई कार्यक्रम होता है तो यहीं से रेड कार्पेट्स लगाए जाते हैं, डिग्निटरीज, मान्य व्यक्ति यहीं से एंट्री करते हैं। इवन विदेश के राष्ट्र प्रमुख को हमारे माननीय राष्ट्र प्रमुख यहीं से रिसीव करके लेके आते हैं, उनके गार्ड ऑफ ऑनर के बाद। साथ ही फोर कोर्ट में जो इस राष्ट्रपति भवन का अग्रभाग है, वहाँ से 31 सीढ़ियाँ इस दरबार हॉल के लिए ही लीड करती हैं। जी हाँ, ये 31 कदमों का फासला है जो कि एक आम हिंदुस्तानी को खास हिंदुस्तानी में तब्दील कर देता है। यहाँ 31 कदमों का सफ़र तय करने के बाद वो फिर आम भारतीय न रहकर भारत का रत्न बन जाता है और उसे भारत रत्न से सम्मानित किया जाता है। Thank you.
राष्ट्रपति के लिए आदिवासियों का उत्थान अहम सपना है। राष्ट्रपति भवन में पहली बार देश के 18 राज्यों से आए 75 जनजाति समूह का सम्मान किया गया। ऐसे वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स आदम संस्कृति के संवाहकों से संवाद नामक कार्यक्रम में शामिल हुए। इस खास आयोजन में करीब 1500 ऐसे लोग पहुंचे जिनमें कुछ तो पहली बार अपने क्षेत्र से बाहर निकले थे, पहली बार ट्रेन या हवाई यात्रा की। दुनिया भर की जनजाति आबादी से हमारे देश में करीब 28-30% लोग बसते हैं। देश में करीब 700 जनजाति समूह हैं, जो राष्ट्रपति के दिल के बेहद करीब हैं। वे चाहती हैं कि भाषा की दीवार को गिराया जाए, इलाके के नोडल अफसर इनकी भाषा को सीखें और समस्याओं को समझें। मैम जोहार, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि पूरा इंडिया से जितने आदिवासी नहीं है, ये लोग प्रिमिटिव ट्राइबल्स जी, इसीलिए ये पहली बार इतने लोगों को एक साथ, ऐसे तो मैं जब जाती हूँ उसके भिन्न भिन्न राज्य घूमने के लिए मैं उनसे मिलती हूँ, लेकिन मैं उनको एक साथ इसीलिए लाने के लिए ट्राइबल मिनिस्टर ने प्रयास किए, क्योंकि वो अपने आप को देखे कि वो दूसरों से कितने दूर है या कितने पास है, वो थोड़ा खुल फील करे और प्रयास करे कि वो भी आगे बढ़े। हम जैसे लगता है कोई एक एनर्जी हमको धुआं दे रहा है और प्रेरणा के उच्च मिल रहा है। तो इस समय हम प्रेसिडेंट सेक्रेटेरिएट की लाइब्रेरी में हैं और ये वो जगह है जहाँ पर हमारे राष्ट्रपति आते हैं, बैठते हैं और कुछ समय बिताते हैं, इतिहास के इन बहुमूल्य पन्नों को देखते हैं, समेटते हैं। हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी यहाँ पर आई थी, उन्होंने इस किताब के लिए खास सुझाव दिया है, ये कंस्ट्रक्शन ऑफ राष्ट्रपति भवन। ये बिल्कुल बहुमूल्य तस्वीरें हैं इसमें, जब ये राष्ट्रपति भवन किस तरह से ये भव्य इमारत बनी, इसकी नींव कैसे रखी गई, ये एक पहाड़ी इलाका रायसेना हिल्स इसको जिस था यहाँ पर, तो तमाम तस्वीरें हैं और इनको अब सहेजने की उन्होंने बात कही है। उन्होंने एक और चीज़ को बहुत बखूबी सहेजा है, वो है संताली भाषा को। संथाली उनकी मातृभाषा है और उनकी कोशिशों से इसे संविधान के 8वें शेड्यूल में इसको शामिल किया गया। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस भाषा का स्क्रिप्ट नहीं था और पंडित रघुनाथ मुर्मू ने इसका स्क्रिप्ट भी तैयार किया है। आदिवासी भाषाओं को मजबूती हो या फिर उनके अधिकार, राष्ट्रपति अपनी सादगी सरलता के साथ दृढ़ निश्चय के लिए जानी जाती है। झारखंड के राज्यपाल रहते हुए उन्होंने छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट और संथाल परगना टेनेंसी एक्ट में बदलावों पर मुहर लगाने से इनकार कर दिया। 192 याचिकाओं पर विचार किया, विशेषज्ञों की राय ली और फिर फैसला किया। ये तब हुआ जब झारखंड में बीजेपी की रघुवर दास सरकार थी। वो जब राज्यपाल थे झारखंड में, ये शिक्षा के लिए बहुत अच्छा काम किए थे और ये सुधार लाए थे हायर एजुकेशन में, जैसे ठीक समय पर एग्जामिनेशन करना,
और स्कूल एजुकेशन को भी बहुत सारे इम्पोर्टेंस देते थे मैम। यहाँ जो कस्तूरबा गांधी विद्यालय, ये सबको मैम बार बार जाते थे, कैसे अच्छा एजुकेशन मिलेगा, ये सब इंश्योर करते थे। उनके जितने भी पूरे जर्नी है, उस जर्नी को अगर हम देखते हैं तो ये बात सामने आता है कि वो हमेशा एक मातृत्व के भाव से और सहोदर के रूप में और पूरे सोसाइटी को नेशन बिल्डिंग के साथ कैसे जुड़े, उनके प्रॉस्पेरिटी को हम कैसे अच्छे ढंग से ला सके और उनके खुशियों में ही देश की खुशियां छुपी हुई है, इस बात को ध्यान में रखते हुए जहां कहीं भी वो जाते हैं कोशिश करते हैं कि वैसे वेनरेबल लोगों से मिले, वैसे प्रिमिटिव लोगों से मिले जो शायद पीछे रह गए हैं, उन्हें प्रेरणा मिले, आगे आने का मौका मिले और उनके लिए सरकारें काम करें। थोड़ा बहुत कुछ ऐसे कर दिया, किसी को थप्पड़ मार दिया, क्या क्या धोखा लगा दिया जो लगाना नहीं चाहिए। लेकिन हाल ही में जेलों में सालों से पड़े विचाराधीन कैदियों का पक्ष हो या फिर देश के मुख्य न्यायाधीश के सामने फैसलों का जमीन पर अमल, राष्ट्रपति मुर्मू सहजता से अपनी बात वंचितों और समाज के हाशिए में पिछड़े लोगों की परेशानी सामने रखने से नहीं हिचकिचाती। मैं एक छोटी सी गांव में से आई हूँ, वहाँ एक छोटी सी मेंबर में थी फैमिली काउंसिलिंग सेंटर के। हम क्या करते थे, कुछ केसेस फाइनल होने के बाद हम रिविजिट करते थे, वो जो केस हम फाइनल किए एक्चुअली वो ठीक ठाक है कि नहीं, वो फैमिली वो कैसे रहते हैं, क्या करते हैं, ठीक ठाक है, मुझे पता नहीं, ये जो प्रोविजन है कि नहीं। बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं, अपने वर्डिक्ट लेके आते हैं, मैडम मैं तो केस तो जीत गया लेकिन मुझे जो मिलना चाहिए, जो जस्टिस मिलना चाहिए मुझे नहीं मिल रहा है। आप सब जजेस बैठे हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बैठे हैं, चीफ जस्टिस ऑफ हाईकोर्ट बैठे हैं, मुझे पता नहीं उसका रास्ता है कि नहीं। सरकार के गवर्नमेंट के एक लॉ मिनिस्टर बैठे हैं, उसका रास्ता मुझे लगता है क्योंकि मैं एकदम निचले लोगों से रिलेट करती हूँ, मिलती हूँ, मुझे लगता है उनको सही मायने में जस्टिस मिलना चाहिए। राष्ट्रपति ने कुछ ही सालों के अंतराल में अपने दोनों बेटों और पति को खो दिया था। इतना गहरा आघात हुआ कि इससे उबरने के लिए अध्यात्म ही सहारा रहा और इस दुख से उबरने के लिए उन्होंने उड़ीसा के पहाड़पुर में ट्राइबल मेमोरियल रेजिडेंशियल स्कूल बनाया जहां पर SC/ST छात्र छठी से दसवीं तक शिक्षा ग्रहण करते हैं। जब मेरे बड़े भाई गुजर गए, वो आई थिंक सबसे बड़ा जो हमारे फैमिली पे प्रभाव डाला, क्योंकि हमेशा लोगों, हमारे जितने क्लोज रिलेटिव में भी हम किसी को जाते हुए नहीं देखा है, तो और वो बहुत ही कम उम्र के थे, मुश्किल से 25 साल के होंगे, तो वो हम पे ज़्यादा असर दिखाया। फिर मुझे लगता है वो उन पे सबसे ज़्यादा असर दिखाया क्योंकि मैं तो छोटी ही थी, तो कहीं ना कहीं मेरे ऊपर मेरे भाई का, दूसरे भाई का, मेरे पिताजी का, माँ का साया था, लेकिन आप बोल सकते हैं कि वो उनका बड़ा बेटा, हम लोग बोलते भी थे पहले कि माँ जो है भाई को ज़्यादा लाड़ करती है, तो वो चीज़ तो उनको ज़्यादा असर पड़ा। जब मेरे बड़े भाई गुजर गए तो वो बहुत ही मेंटली बहुत ही डिस्टर्ब रही और वो अपने आप को काम डाउन करने की बहुत कोशिश की। वो हमेशा मुझे और मेरे भाई दूसरे भाई को देखती रहती थी और बोलती थी कि नहीं मेरे दो बच्चे हैं, आई हैव टू लुक आफ्टर देम, लेकिन वो अपने आप को शांत नहीं कर पाती, उनको मन को शांत नहीं कर पाती थी। स्कूल जो है वो हमारे जो पुश्तैनी घर था उसी पे बना था, तो हम लोग का एक सोच था कि हमारे बाद हमारे भाइयों का और हमारे पापा का नाम खो ना जाए, तो एटलीस्ट जो बच्चे यहाँ से पास आउट होके निकलेंगे एटलीस्ट वो उनके ज़ुबान पे मेरे फादर और मेरे दोनों भाइयों का नाम रह जाए। वही था कि हमारे साथ उनके नाम ना
मिट जाए इस दुनिया से। बदला प्रेसिडेंट होने के बाद ऐसा कुछ बदला मैं नहीं देखता हूँ, लेकिन मैं देखता हूँ कि माम के अंदर में एक स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन जैसे हुआ है। माम जो कुछ कहते हैं ये दिल से कहते हैं, ये मुँह से नहीं कहते हैं, दिल से कहते हैं। जो बात दिल से कहा जाता ये बहुत प्रभावशाली होता है। अब अध्यात्म उनका कवच सा बन गया है, जो लोगों के साथ व्यवहार और उनकी भोजन तक में झलकता है। वे बिना लहसुन प्याज का सात्विक खाना लेते हैं। NDTV पर आप पहली बार राष्ट्रपति के फैमिली किचन की एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं। महामहिम की जो है सात्विक भोजन चाहिए इनको, जो मतलब वेज खाना बिल्कुल नो गार्लिक और नॉन वेज बिल्कुल भी नहीं लेते हैं, इसलिए काम करने में भी अच्छा लगता है सात्विक खाना बनाते हैं। मैडम का खाना बिल्कुल सिंपल खाना है, कोई इनकी अलग से रेसिपी नहीं है कि मेरे लिए ऐसा बनाओ। इनका सिर्फ ये है कि मेरे को सात्विक भोजन होना चाहिए। हम लोग सुबह से बिल्कुल प्योर एकदम होके आते हैं जैसे भी, तो लेकिन प्योर खाना। नाश्ते में क्या खाती हैं? नाश्ते में हल्का ही खाना खाती है, जैसे ओट्स है, पूरी आलू की सब्जी खा लेती हैं, और अपना इनका अपना फेवरेट आइटम है चावल का चिल्ला विल्ला बना के देते हैं हम लोग कई बार इनको। दो तीन आइटम इनके हम उड़ीसा के बना के देते हैं जो इनके पसंद हैं। कुछ जैसे मैडम कभी बार अपनी तरफ से हमें कुछ बनाने को बोल देती है, हम वो भी बना के देते हैं। क्या फरमाइश देती है? इनकी ज़्यादातर जैसे दालमा संतूला ये काफ़ी पसंद करती हैं मैडम, तो हम वो भी बना के देते रहते हैं इनको। और लेकिन हम पूरी वेजिटेबल्स पे ही सारा वो करते हैं सब। तो राष्ट्रपति के खान पान में उनकी आदिवासी जड़ें मजबूती से झलकती हैं। वे अपने भाषणों में बार बार दोहराती हैं कि इनके आवाज को महत्व देना है। मैं आप सभी को कहना चाहूंगी कि महिला होना अथवा आदिवासी समाज में जन्म लेना कोई बुराई नहीं है। इनके साथ वे शिक्षा के क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी पर जोर दे रही हैं, खास तौर से दूर दराज के पिछड़े इलाके जहां स्कूल और शिक्षक धीमी गति से पहुंच रहे हैं। एक सपना है उनके जहन में अग्रसर भारत का। मैं द्रौपदी मुर्मू ईश्वर की शपथ लेती हूं कि मैं श्रद्धा पूर्वक भारत के राष्ट्रपति पद का कार्यपालन करूंगी।